नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस अपडेट में क्या आप जानते हैं आज की तारीख में 25,000 से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। क्या ये वायरस बहुत डेंजरस है? कोरोना वायरस आपको इससे डरने की ज़रूरत है या इसे कह सकते हैं मीडिया और न्यूज एजेंसियों द्वारा इसे तिल का तार बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक सिंगल वायरस नहीं है। ये कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरसेस हैं, मतलब बहुत सारे वायरस मिला के ये कोरोना वायरस होते हैं। कॉमन कोल्ड कफ जो आमतौर पर जाड़े में बीमारी होती है वो भी कोरोना वायरस की एक प्रकार है। लगभग 17-18 साल पहले भी सार्स वायरस फैली थी, वो भी एक कोरोना वायरस ही थी। और आज जो कोरोना वायरस फैली हुई है वो एक नए प्रकार की कोरोना वायरस है। चीन में एक प्रांत का नाम है वुहान। नई प्रकार की स्ट्रेन कोरोना वायरस की पाई गई जिसका नाम दिया गया nCoV, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है नया, और ये इतना नया था कि वो इसे नाम देने में भी जल्दबाजी कर गए। इस नए प्रकार के कोरोना वायरस के सोर्स हैं जानवर, और जानवरों से वो मानव के शरीर में आते हैं और फिर मानव से मानव में इसका संक्रमण होता है। सार्स और मर्स नाम के वायरस भी जानवरों से आए थे। बैट और कैमल खाने वाले लोगों में ये बीमारी फैली थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के सिम्टम्स क्या हैं? कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, ये सभी सिम्टम्स हैं। नॉर्मल सीजनल फ्लू और न्यू कोरोना वायरस संक्रमण में केवल लेबोरेटरी टेस्ट ही बता सकता है कि ये कौन सा फ्लू है, कौन सा संक्रमण है, कोरोना वायरस है या सीजनल फ्लू है। कोरोना वायरस को फैलने में 211 दिन लगते हैं और सिम्टम्स दिखने में भी लगभग इतने ही दिनों का समय लगता है। एग्जैक्ट ओरिजिनल सोर्स कोरोना का क्या है ये अभी भी पता नहीं चला है, पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सांप से आया होगा, और कुछ का ये भी कहना है कि चमगादड़ों से आया होना चाहिए। चूंकि दोनों से फैले कोरोना वायरस लगभग एक प्रकार के होते हैं, इसे जल्द अलग करना मुश्किल होता है। ये कोरोना वायरस कितना फैटल या कितना खतरनाक है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लगभग 25,000 लोगों में बीमार लोगों में 1,000 लोग रिकवर कर गए हैं, जैसा कि न्यूज एजेंसियों ने बताया है। जानकारियों के मुताबिक जिस वायरस की मोर्टेलिटी रेट हाई होती है वो लेस कंटेजियस होता है, मतलब बिल्कुल साफ है। अगर आप 2 सप्ताह के अंदर चाइना नहीं गए हैं और या किसी चाइनीज व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं और उसके बाद भी ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी रेट अभी तक 2% मानी गई है। इसका मतलब है 98% चांसेस हैं कि आप जीवित बचेंगे संक्रमण होने के बावजूद। ये संक्रमण कोरोना वायरस का उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो एल्डरली थे, जिनकी इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर थी, उनकी बीमारी कुछ और थी, उनके पास ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारी उनके पास थी। कमज़ोर लोगों पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है और वही लोग ज़्यादा मारे गए हैं। सार्स, मर्स और इबोला वायरस से कंपेयर करें तो कोरोना वायरस कम डेडली है, और क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। आइए जानते हैं ये कैसे फैलता है। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो फ्लूइड्स के पार्टिकल्स निकलते हैं आपके मुँह या नाक से, उनसे ये संक्रमण फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि आप छोरे थोड़े अंतराल पे अपने हाथ को सही तरीके से साफ करें। जब भी खांसे या छींके तो टिश्यू पेपर या रुमाल का या कोई कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें ढकने के लिए। आप ये नहीं समझे कि पब्लिक प्लेस में मास्क पहन लिया तो आप बीमारी से बच सकेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मास्क पहनना ही सबसे प्रोटेक्टिव काम नहीं है। मास्क पहनने से ज़्यादा ज़रूरी है आप समय समय पर थोड़े अंतराल पर अपने हाथों को ज़रूर साफ करें।
मास्क उनके लिए जरूरी है जो इन्फेक्टेड हैं, उनसे दूसरे को ना फैले, इसलिए उन्हें मास्क लगाना जरूरी है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के उपाय क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं। कोरोना वायरस का कोई उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, करेंटली अंडर डेवलपमेंट फेज में है, 1 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं वैक्सीन या कोई और दवा आने में। दवा या वैक्सीन नहीं है तो लड़ने के उपाय क्या हो सकते हैं? आपको अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, तभी आप इस कोरोना वायरस से लड़ सकेंगे। जिन मरीजों के इम्यून सिस्टम कमज़ोर थे वो जल्दी मारे गए, जिनकी इम्यून सिस्टम मजबूत थी वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया इस बीमारी से लड़ने में एकजुट है, लेकिन अभी तक यही देखा गया है कि ये बीमारी चाइना के अंदर ही सीमित है, वो भी वुहान प्रांत से। वुहान प्रांत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। बहुत सारे देशों ने चीनियों को अपने यहाँ आने से रोक दिया है। आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चीन से संबंधित नहीं हैं, तो ऐसे भी बीमारी जल्दी आपको नहीं पकड़ेगी। और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूर करें। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। अपना ख्याल रखें, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कौन सी जानकारियाँ बच गई आप बताएं।